नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला में एक साधक द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे, जो कि उन्होंने काफी समय से पूछे हुए हैं, इसलिए इन प्रश्नों पर मैं उत्तर बना रहा हूं। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रकार से हैं। कलयुग में हनुमान जी की बहुत ज्यादा पूजा हो रही है, इसका कारण क्या है, जबकि और भी बड़े देवी देवता मौजूद हैं। कुछ बड़ी देवी देवता हैं, शक्ति बहुत ज्यादा, उनका ना तो कोई मंदिर है और ना ही उनकी ज्यादा पूजा पाठ होती है। काल भैरव जी, माता काली सात्विक रूप से पूजा करने पर शक्तियां और घर प्राप्त होंगे, उसमें कोई समस्या तो नहीं होगी, और सात्विक रूप से घर में इनकी पूजा कर सकते हैं क्या? बिना गुरु के हम किन किन उच्च कोटि के देवी देवताओं की साधना कर सकते हैं, किन किन उच्च कोटि के देवी देवताओं की साधना नहीं करनी चाहिए? नॉर्मल मंत्र, बीज मंत्र जिसमें लगे रहते हैं, ऐसा मंत्र दोनों में ज्यादा शक्ति किस में उत्पन्न होती है? एक आदमी पर माता शमशान, काली, मसान इत्यादि कई शक्तियां छोड़ी जाती हैं। उन शक्तियों से वह मर भी सकती है, पर उसके साथ एक सात्विक शक्ति भी खड़ी है, जैसे हनुमान जी, मोहन राम बाबा, यह सब उसे बचाए रखते हैं। यह कैसे होता है, क्योंकि एक शक्ति सबको बचाती है, तो क्या यह अनुभव के रूप में देखा गया है? किन किन नियमों का पालन करते हैं आप? दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? फिल्म इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मनोरंजन के लिए किन चीजों को रखें, किन को नहीं रखें? गुरुजी, आप अपने ज्ञान को अपने प्रश्नों के लिए प्रेमानंद जी महाराज इत्यादि कुछ यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं क्या, जैसे बागेश्वर धाम आप देखते हैं क्या? चैनल और यूट्यूब वगैरह के लिए आप कंटेंट कैसे यूज करते हैं? अपने जैसी काम वासना के विषय में बताया था, आप ज्ञान के माध्यम से देखते हैं, आप पर कोई काम वासना का प्रभाव नहीं पड़ता, पर सोशल मीडिया जहां पर स्त्रियों को अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है, बार बार सुंदर स्त्रियों का दर्शन करेंगे तो क्या जब भी आप पर कोई प्रभाव पड़ेगा? या नियम तो पालन कठिन नहीं है, भक्ति की वजह से कुछ शक्तियां, अंश, तरंग इत्यादि आपके पास है, अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं तो क्या वह आपकी शक्तियां खींच सकता है? शक्ति बढ़ाने के लिए क्या सत्य है? गुरु जी, स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्री, उसने दो पुरुषों से प्रेम संबंध बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, पर लेकिन उनकी स्वयं की इच्छा है, वह चाहे तो बना सकते हैं, ना तो उन्हें किसी बात का दंड दिया जाएगा, ना कोई परीक्षा ली जाएगी, बस उसकी इच्छा है। एक मुस्कुरा कर चला गया, दूसरे ने संबंध बनाया, तो वास्तव में सुख किसने प्राप्त किया? तो ये है आज के कुछ प्रश्न, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आपने पूछा है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा सबसे ज्यादा आखिर क्यों हो रही है, जबकि अन्य भी बड़ी देवी देवता मौजूद हैं। तो देखिए, पहली बात तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं और कलयुग में साक्षात रूप से तब से विद्यमान है जब से भगवान राम के सेवक के रूप में उन्होंने भगवान शिव के अंश के रूप में अवतार लिया था। इसी कारण से उनके अंदर वैष्णव तत्व और शिव तत्व दोनों ही मौजूद हैं। इसके अलावा वह पूर्ण ब्रह्मचारी भी हैं। कलयुग में प्रसन्न रहने वाले साधना और भगवान की क्रियाओं में या अवतारों में उनका साथ देने के लिए वह सदैव विद्यमान रहने वाले हैं। यही कारण है कि कलयुग में इनका प्रभाव जल्दी प्राप्त होता है, और इसी वजह से जल्दी प्रसन्नता प्राप्त होने के कारण लोगों ने इन्हें सिद्ध किया। भगवान राम को सिद्ध करना कठिन था, लेकिन हनुमान जी को जल्दी सिद्ध किए जा सकने के कारण बहुत से लोगों ने हनुमान जी के प्रति अपना प्रेम और आकर्षण दर्शाया, और फिर इनकी पूजा और तपस्या की, जिससे बहुत जल्दी उन्हें हनुमान जी की सिद्धि भी मिल गई। और इसी कारण से कहते हैं, जिस चीज में जल्दी सफलता मिलती है उसी का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है, भले ही उससे बड़ी शक्तियां मौजूद हो। तो यही कारण है कि हनुमान जी सबके प्रिय बन गए, और आज भी वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, कलयुग में साक्षात रूप से निवास करते हैं, और अपनी देह सहित इस पृथ्वी पर गोपनीय रूप से रहकर आज भी मौजूद हैं। इसीलिए इनकी सिद्धि जल्दी हो जाती है, जल्दी है किसी की भी बात सुन लेते हैं, यही कारण है कि हनुमान जी की ज्यादा पूजा होती है। आपने पूछा है कुछ बड़े देवी देवता है, उनकी शक्ति भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ना तो कोई उनके मंदिर है और ना ही उनकी ज्यादा पूजा पाठ होती है। ये बात सत्य है, हर शक्ति कोई नहीं कहती कि आप मेरी पूजा कीजिए। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा आप उनकी पूजा करें, स्वयं भगवान राम ने भी नहीं कहा उनकी कोई पूजा करे, कृष्ण ने नहीं कहा मेरी कोई पूजा करे। हाँ, उन्होंने गीता में उपदेश अवश्य दिया था, वह था वास्तविक सत्य का और कर्मशील बनने का, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ईश्वर का अंश है, तो कोई भी शक्ति कभी नहीं कहती कि आप उसकी पूजा कीजिए। लेकिन हर एक मनुष्य में इतनी ऊर्जा मौजूद नहीं है
ना वो इतना बड़ा तपस्वी है, ना वो इतना बड़ा त्यागी है कि संसार के लिए अपना जीवन जिए और अपने विषय में कुछ पूछे ही ना, कुछ सोचे ही नहीं। यही कारण है कि उसको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए किसी न किसी देवी या देवता या पूजा पद्धति का सहारा लेना पड़ता है, तभी उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा आगे बढ़ेगी। तो इसी से ही विभिन्न प्रकार के देवी और देवताओं से संबंधित साधनाएं और पूजा बन गए। तो बड़े देवी देवताओं को इससे कोई मतलब नहीं है, इसी वजह से उनकी पूजा पाठ भी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जिस चीज का प्रचार होता है उसी चीज को हम आगे जाते हुए देखते हैं, जिसका प्रचार प्रसार कभी हुआ ही नहीं। तो क्या देवता स्वयं आके थोड़ी कहेगा कि आप मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनकी पूजा नहीं होती है। काल भैरव जी माता काली सात्विक रूप में पूजा करने पर शक्तियां और गण उनके प्राप्त होते हैं, इसमें कोई समस्या तो नहीं देंगे। सात्विक रूप से घर में क्या उनकी पूजा कर सकते हैं? सात्विक तरीके से आप इनकी पूजा घर में कर सकते हैं, लेकिन स्वभाव मैंने बताया कि माता काली हो वो तो फिर भी माँ पार्वती हैं, इसलिए वह जब माता काली के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है तो वह माँ पार्वती के रूप में ही काली स्वरूप में घर में आती हैं, इसलिए उनकी पूजा से तो नुकसान नहीं होता है। लेकिन भैरव जी की पूजा को कहते हैं घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैरव जी का स्वभाव अलग है। अगर आप विधिवत तरीके सात्विक तरीके से उनकी पूजा कर रहे हैं तो शिव स्वरूप मान करके ही पूजा करनी चाहिए। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि आप गृहस्थ जीवन में आप जी रहे हैं, आपके साथ आपका परिवार रह रहा है, तो फिर सारे लोग उनकी पूजा करें, सारे के सारे उसी मंत्र का जाप करें जो आप कर रहे हैं, तभी सही फल मिलेगा। और भैरव जी का जो जो उनके साथ शक्तियां जुड़ी हुई हैं, गण जुड़े हुए हैं, वह किसी को समस्या नहीं देंगे, क्योंकि वो आएंगे तो है ही, और जब वो आएंगे तो फिर परिवार जो कि दूसरा व्यक्ति पूर्ण सात्विक है या नहीं है नहीं जानते, उसका स्वभाव कैसा है उनको भी वो आकर के देखते हैं, ऐसे में उन्हें अनुभव होने लगते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के कष्ट भी मिल सकते हैं। इसीलिए अगर आप भैरव जी की पूजा करते हैं, खासतौर से काल भैरव जी या फिर ऐसी कोई शक्तियों की, तो पूरा परिवार करे, अन्यथा घर के बाहर उनका मंदिर बनवाइए, वहां पर जाकर के पूजा करनी चाहिए। बिना गुरु के हम किन किन उच्च कोटि की देवी देवताओं की साधना कर सकते हैं, किन किन उच्च कोटि के देवताओं की साधना नहीं करनी चाहिए, तो देखिए ये बात तो बहुत पहले से ही विदित है और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप बिना गुरु के साधना करते हैं तो केवल पंच देवों की साधना की जा सकती है। पंच देवों की साधना करने में, क्योंकि वह मोक्ष देने में सक्षम है और हर प्रकार से कल्याण करने वाले हैं, इसके लिए गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ सकती, क्योंकि वह आपकी हर प्रकार से सहायता ही करते हैं। लेकिन गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है कि आप कोई काम कीजिए और उस काम का आपको अगर 10% 20% फायदा मिले तो वह काम करना कितना सार्थक होता है। वहीं अगर आप कोई काम करते हो उसका 90% या 80% उसका हमको फल मिले, तो यही अंतर पड़ जाता है बिना गुरु के और स्वयं करने में। इसके अलावा कोई भी साधना होती है उसकी साधना का फल कोई भी शक्ति चुरा सकती है, बिना गुरु के करते हैं जब आप बिना गुरु मंत्र के करते हैं, तो इन सब बातों के कारण गुरु को स्थान दिया गया है। लेकिन किसी को गुरु उपलब्ध ही नहीं है तो वह स्वयं पांच देवताओं की उपासना कर सकता है। पंच देवों में मैंने आपको बताया ही है कौन कौन है, भगवान सूर्य हैं, गणेश भगवान हैं, माता शक्ति उनके जितने भी स्वरूप हैं वह हैं, भगवान विष्णु उनके जितने भी स्वरूप हैं, राम कृष्ण इत्यादि सारे, भगवान शिव हैं और उनके कितने भी स्वरूप हैं। तो यह पांच देव माने जाते हैं जिनकी साधना और उनके अवतारी स्वरूपों की साधना कोई भी साधक कर सकता है। नॉर्मल मंत्र और बीज मंत्र जिसमें लगे रहते हैं, ऐसा मंत्र में ज्यादा शक्ति किसमें होती है? निश्चित रूप से जो मंत्र बीज मंत्र हैं वही उत्तम मंत्र माने गए, वही वैदिक मंत्र माने गए हैं और उनमें शक्ति बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बीज मंत्र और नॉर्मल मंत्र में क्या अंतर है? देखिए नॉर्मल मंत्र जो होता है वो अपना प्रभाव जल्दी भी दिखा सकता है, लेकिन बीज मंत्र हमेशा देर से काम करता है। बीज मंत्र का मतलब होता है एक ऐसा बीज, जैसे कि जमीन में आप कोई पौधा लगाने के लिए बीज बोते हैं और आपके पास उस बीज से एक दिन कितना विशालकाय वृक्ष निकलेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन नॉर्मल मंत्र क्या है? एक छोटे से बने बनाए पौधे, जैसे कि हम किसी गार्डन में जाते हैं कोई पौधा उखाड़ लाते हैं तो वह उतनी ही शक्ति रखता है। लेकिन बीज मंत्र का मतलब है आपने बीज बोया,
उस मंत्र का, बीज मंत्र का लगातार जाप कर रहे हैं और फिर वह एक दिन विशाल काय वृक्ष बनकर खड़ा हो जाएगा। तो बीज मंत्र नॉर्मल मंत्र से कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन इसमें समय लगता है। एक आदमी पर माता शमशान काली मसान इत्यादि कई शक्तियां छोड़ी गई हैं। वह शक्तियां उसे मार भी सकती हैं, पर उसके साथ एक सात्विक शक्ति खड़ी है जैसे हनुमान जी, तो उसे बचाए रखते हैं। यह कैसे होता है? क्योंकि एक शक्ति सबको बचाती है और एक शक्ति मारने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमेशा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा माना गया है। और दूसरी बात यह भी है कि कौन सा कर्म ईश्वर के नजदीक है, तो जो सबसे बड़ी शक्ति है जैसे माता पराशक्ति, वह यह देखती है कि जैसे आपके ऊपर किसी ने बुरी शक्ति का प्रयोग किया, आपके कर्म पिछले जन्म के पाप है और उन पाप की वजह से आपके ऊपर कोई शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो आप अगर मंत्र जाप पूजा पाठ नहीं करते तो वह शक्ति पूरा काम कर जाएगी, चाहे आपके साथ कितनी बड़ी शक्ति भी खड़ी हो। वहीं आपने पाठ पूरी तरह छोड़ रखे, पुण्य आत्मा की तरह जीवन जी रहे, गुरु मंत्र का इत्यादि का जाप कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी भी शक्ति आपके ऊपर छोड़ी गई हो वह कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ईश्वरीय विधान के हिसाब से कार्य होता है। कर्मों का ही दंड मिलता है। जब आपने कोई पाप किया नहीं है और इसके बावजूद भी आप पर बुरी शक्ति छोड़ दी गई है, तो इसकी गलती आप में कोई भी मौजूद नहीं है। इसके लिए जब आपके अंदर कोई गलती मौजूद नहीं है तो आपको किस बात का दंड मिलेगा? कोई दंड आपको नहीं मिल सकता। इसीलिए बड़ी से बड़ी शक्ति भी असफल हो जाती है आपके ऊपर प्रयोग की गई। यह तभी काम करता है जब आप सात्विक तरीके से आप गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपने आध्यात्मिक रूप से अपनी ऊर्जा बढ़ाई हुई है, गलत काम नहीं करते हैं, तभी ऐसा होगा। किन किन नियमों का पालन करते हैं आप? दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? फिल्म इत्यादि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मनोरंजन के लिए किन चीजों को जीवन में रखें, किन को नहीं रखें? देखिए, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है और धर्म रहस्य मेंबर्स वीडियो में इसके बारे में मैंने बता रखा है। फिलहाल और इसके विषय में जो धर्म रहस्य सेवा ट्रस्ट है हमारा, जिसे हम माँ पराशक्ति धर्म रहस्य सेवा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं, इसमें आप जानेंगे कैसे जीवनचर्या जीनी चाहिए। इसके लिए पदाधिकारी कि कल मीटिंग होने वाली है, शनिवार को मैं जूम मीटिंग लेने वाला हूं, और यहां पर मैं कैसे जीता हूं या बाकी लोग कैसे जिएंगे, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी और बेस्ट तरीके से कैसे जिया जा सकता है, इसी पर हम लोग कार्य करने वाले हैं। रही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मनोरंजन इत्यादि में, तो देखिए, आप मनोरंजन के लिए कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, किसी चीज की रोक टोक नहीं है, लेकिन किसी चीज से आप क्या निकालते हैं, उसमें से क्या क्या ग्रहण करते हैं, क्या क्या छोड़ देते हैं। देखिए, बाजार में आप निकलते हैं तो कुछ गंदी चीजें भी जमीन में पड़ी दिखाई पड़ती हैं, कीचड़, गंदगी, कहीं शुद्धता भी दिखाई पड़ती है, लेकिन जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो कीचड़ को अपने दिमाग में नहीं रखते। घर वापस जब लौट के आते हैं तो आपके मन में जो सबसे ज्यादा सुंदर चीज आपने देखी होती वही आपके दिमाग में होती। ऐसा ही हमारे लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। आप हर जगह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग काम वासना से जुड़े हुए कंटेंट को भी देखते हैं वह भी उससे भी फायदा उठा सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन वह एक विद्या है। जीवन में हर एक चीज एक विद्या की तरह है, और विद्या का कैसे उपयोग करना है, आपको अपने जीवन साथी के लिए किस प्रकार उसको संतुष्ट रखना है, ऐसी विद्या को भी आपने प्राप्त कर लिया किसी वीडियो इत्यादि को देख करके। और कुछ लोग उसमें से दिमाग को गंदा करते हुए हर एक स्त्री के प्रति वैसी भावना रखते हुए कितनी गलत चीज उसमें से निकाल लेते हैं, और कोई उसी में से ज्ञान को निकाल लेता है। क्योंकि हर एक चीज संसार में कोई भी चीज खराब नहीं है, और ईश्वर ने किसी भी चीज को बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है, तो खराब तो कुछ है नहीं, बस उस खराब से आपको अच्छा निकालने की आदत होनी चाहिए। जब आप खराब से खराब चीजों से भी अच्छी चीज निकाल लेंगे तो इस संसार की किसी भी माया में आप फंस नहीं सकते हैं, चाहे आपके सामने ईश्वर कितनी बड़ी भी माया रच दे। क्योंकि आपको पता है कि मैं इसमें से केवल अच्छी चीजें ही निकालूंगा, बुरी चीजें छोड़ दूंगा। इसी तरह जीवनचर्या भी होती है। आपको किसी चीज के लिए मना नहीं किया जाता, आप सब कार्य कर सकते हैं, हर एक तरह की चीज को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, हर एक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें से अपने और समाज के लिए अच्छा अच्छा निकाल कर रखना, बुरी चीजों को त्याग देना, यही महत्वपूर्ण होता है। तो यही आप समझ लीजिए मनोरंजन के कोई भी उद्देश्य हो। जैसे कि छोटी सी चीज, मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। एक बड़े से क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा है, एक व्यक्ति ने उस मैच को देखा, उसमें कैमरे घुमाए गए, वहां नाचने वाली कुछ लड़कियां भी हैं, जिसका ध्यान उन नाचने वाली लड़कियों पर विशेष रूप से चला गया। इसमें से किसी दर्शक का ध्यान खिलाड़ी के द्वारा मारे गए छक्के पे भी चला गया, और किसी का ध्यान जनता की खुशी की ओर चला गया। तो इसमें से आपके लिए विशेष क्या निकालना आवश्यक है? अगर आप इसमें से
जनता की खुशी को बाहर निकाल पाए कि एक व्यक्ति ने स्वयं के लिए प्रयास किया, अपनी टीम के लिए प्रयास करते हुए एक बड़ा विशालकाय बहुत दूरी का छक्का मारा, जिससे पूरी जनता खुश हो गई, सभी खुशी से चिल्लाने लगे। उन सबके मन की जो खुशी है उसके एक छोटे से कर्म से उसे प्राप्त हो गई। यही चीज आपको निकालनी है इस पूरे से गेम में, इस पूरे खेल में, जो सबको खुश कर दे वह कार्य। जबकि देखा तो आपने उस मैच में बहुत कुछ, उसमें लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, नोक झोंक भी हुई होगी, किसी की हार किसी की जीत, हर बाल पे चौका या छक्का मारते हुए जो डांसर्स रखी जाती हैं उनको भी सब लोग देखते हैं, सुंदर स्त्रियों सुंदर पुरुषों को उसमें दिखाया जाता है, कैमरा घुमाता रहता है। लेकिन इसमें से आपने क्या निकाला, यही है जीवन कि आप क्या निकालते हैं किसी चीज से। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है, गुरु जी आप अपने ज्ञान के प्रश्नों के लिए प्रेमानंद जी महाराज, कुछ यूट्यूब चैनल्स, बागेश्वर धाम इत्यादि किसे देखते हैं और यूट्यूब में उसे कैसे यूज करते हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर आप गुरु मंत्र का सही प्रकार से जाप करते हैं तो आपको किसी यूट्यूब चैनल, किसी भी गुरु, किसी भी बाबा, किसी भी धाम को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न होगा, आप स्वयं सोचेंगे कि मैं कैसे यह प्रश्नों के जवाब दे पा रहा हूँ, कैसे मैं यह जप जान पा रहा हूँ। यह चीजें सिर्फ साधारण लोगों के लिए हैं। जो किसी दूसरे से देखकर सीखता है वह केवल उतना ही सीख पाता है जितना बोलने वाले ने उसे दिया है। लेकिन असली आध्यात्मिक ज्ञान माता पराशक्ति से आता है, और चाहे कमरे में बंद करके 2400 घंटे के लिए व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन उसका आध्यात्मिक ज्ञान किससे कितना विशालकाय हो जाएगा आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यह सब बातें उसी को प्राप्त होती हैं जिसको समर्पण होता है माता के प्रति, अपने गुरु के प्रति। वही असली आध्यात्मिक रहस्य स्वयं के अंदर से प्राप्त करता है। इसके लिए किसी चैनल को देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, साधारण व्यक्तियों के लिए आप अच्छे अच्छे चैनल को देख सकते हैं, प्रेमानंद महाराज को देख सकते हैं, बागेश्वर धाम को देख सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे हमारे यहाँ कथाकार हैं उनके चैनल देख सकते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, वह सब आप वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैंने बताया ना कि इन सब के ज्ञान से बहुत ऊपर एक ज्ञान है जो आपके अंदर ही मौजूद है, सिर्फ उसको आपको अपने लिए खोलना है, क्योंकि माता स्वयं आपके अंदर निवास कर रही हैं और ज्ञान का भंडार है। अगला प्रश्न आपने पूछा है, जैसे काम वासना के बारे में आपने बताया कि आप उसे ज्ञान के माध्यम से देखते हैं, पर कोई ज्यादा प्रभाव सोशल मीडिया पर जहां स्त्रियों को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, बार बार सुंदर स्त्रियों को दर्शन करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मैंने पहले ही बताया, हर एक चीज को देखने का तरीका आपका स्वयं का होता है। जैसे कि छोटे से उदाहरण के रूप में, क्योंकि आप लोग अधिकतर इस चीज में बार बार फंस रहे हैं, तो मैं आपको आज बताता हूँ। मान लिया मुझे कोई सुंदर स्त्री दिखाई दी, एक क्षण के लिए उसके सुंदर चेहरे को मैंने देखा, केवल एक दो सेकंड के लिए उसका चेहरा सुंदर मुझे लगा, लेकिन अगले ही क्षण उसके बाद आध्यात्मिक रहस्य के कारण उस चेहरे को मैं और अंदर से देखने लगता हूँ, तब मुझे दिखाई देता है कि चमड़ी की या मांस की बना हुआ एक बाहरी आवरण, उसके अंदर हड्डी का एक बना हुआ ढांचा जो कि देखने में कंकाल का बना हुआ दिखाई पड़ता है, शरीर में हर जगह दौड़ता हुआ रक्त, शरीर के अंदर भरी हुई गंदगी जिसमें लैट्रिन बाथरूम इत्यादि चीजें, शरीर के किसी भी अंग को चाहे वह योनि हो और चाहे वह स्तन हो, उसके अंदर भरा हुआ मांस और उसके अंदर इसी प्रकार भरी हुई गंदगी। अब बताइए कितनी भी सुंदर स्त्री हो जो ऊपर से कैसी दिखाई दे रही है, अंदर से क्या है, यही चीज और यही सत्य आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप ऐसे देखते हैं तो आप किसी से भी आकर्षित नहीं हो सकते। काम वासना तो बहुत छोटी चीज है, आप किसी भी प्रकार से उससे आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन फिर भी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन चीजों को स्वीकार करते हुए अंदर के आवरण को कुछ देर के लिए हटाकर बाहरी आवरण पर ध्यान देना पड़ता है। जब आप गृहस्थ आश्रम में होते हैं, आपने विवाह किया है, आपको संतान की भी प्राप्ति करनी है और जीवन को भी आगे बढ़ाना है, इसीलिए इस तरीके से देखेंगे तो आप जीवन में सत्य को देखेंगे। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि कुछ शक्तियां अंश तरंग इत्यादि के आपके पास हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, क्या वो आपकी शक्तियों को खींच सकता है शक्ति बढ़ाने के लिए, क्या यह सत्य है। यह बात सत्य भी है और कुछ हद तक असत्य भी है, क्योंकि अगर आपने छोटी मोटी तांत्रिक साधनाओं की सिद्धि प्राप्त की है और आप किसी बड़े साधक, खासतौर से पंच देवों के एक निष्ठ साधक के पास जाते हैं और उसने आजीवन बड़े मंत्रों की ही जाप किया है, तो वह आपकी शक्ति खींच सकता है,
सदैव के लिए वह शक्तियां आपसे छीन सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है। लेकिन अगर आप माता पराशक्ति के भक्त हैं, भगवान शिव के हैं, भगवान विष्णु के हैं, या फिर इष्ट के रूप में यह मंत्र प्राप्त है या गुरु मंत्र के रूप में आपको प्राप्त है, तो ऐसी बड़ी शक्तियों का जो उपासक होता है उसकी शक्तियां कोई नहीं छीन सकता। आपकी शक्तियों की जो सिद्धि होती है उसको एक बड़ा तांत्रिक, जो आपसे बड़ा तांत्रिक है उसी विद्या में, वह खींच सकता है। लेकिन अगर आपके पास उससे बड़ा आवरण है तो फिर आपकी शक्ति वो क्यों खींच पाएगा? तो यह चीज निश्चित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक उदाहरण में मैंने बताया था कि कैसे एक साधक के पास काली माता की सिद्धि थी और वह शक्ति खींच कर कैसे आ गई दूसरे साधक के पास। तो ऐसा होता है, लेकिन तब जब आपके अंदर उससे ज्यादा ऊर्जा हो। इसीलिए माता पराशक्ति या सर्वोच्च मंत्र को अवश्य जाप करना चाहिए। जो सर्वोच्च मंत्र होते हैं, बहुत उच्च कोटि के मंत्र होते हैं, उनकी ऊर्जा कोई नहीं छीन पाता है, क्योंकि वो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। और आपके गुरु, आपका गुरुमंडल, आपके जितने भी उस मंत्र का अभी तक गुरु जाप कर चुके हैं, वह सब आपकी रक्षा करते हैं, इसीलिए वो चीज कभी नहीं छीनती है। हाँ, छोटी सिद्धियां, खासतौर से शाबर मंत्र, छोटी मोटी सिद्धियां, भूत प्रेत पिशाच, इन सब की शक्तियों को कोई भी कभी भी खींच सकता है, आपसे बड़ा अगर साधक है तो। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्री जिसे दो लोगों से प्रेम है और उसने एक से अपनी इच्छा जाहिर की जो मुस्कुराकर चला गया, दूसरे ने संबंध बनाया, तो वास्तविक सुख किसने प्राप्त किया? देखिए, यह प्रश्न अपनी अपनी सोच, अपने अपने ज्ञान के आधार पर है। आप किसी सुंदर स्त्री को स्वर्ग की किस रूप में देखते हैं, यह आपकी अपनी सोच है। लेकिन एक आध्यात्मिक अर्थ में और भौतिक अर्थ में, मैं दोनों में ही आपको जवाब देता हूँ। आध्यात्मिक अर्थ में उसने सुख प्राप्त किया जो वास्तविकता जानता है, जो वास्तविकता जानता है, जो ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहता है, जो मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहता है, वही उसी ने वास्तव में सुख प्राप्त किया। एक भौतिक जीवन के व्यक्ति को उसकी इच्छा सबसे ज्यादा प्रिय होती है और उसकी इच्छा उसको प्राप्त करना था, इसलिए जिसने संबंध बनाया उसे ज्यादा सुख प्राप्त होगा। तो यह तो अपनी अपनी सोच है। जो ज्ञानवान है उसके लिए वह चीज कोई बड़ी नहीं है, और जो भौतिकवादी है जिसे यह भौतिक जीवन ही सब कुछ दिखाई देता है, उसके लिए उसका शरीर ही सब कुछ था। तो यह थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद गया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।